दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। उनकी सेवाएं क्या लगातार जारी रहेगी अप्रैल 2024 के बाद, मई जून जुलाई का क्या उनका कार्यकाल रहेगा, क्या उनको मानदेय मिलेगा, इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में खलबली सी मच गई है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी लोकसभा के चुनाव हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके कारण अतिथि शिक्षक एक विरोध का जो तरीका उनका था अभी तक का, कि वह अपना हर ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय जाकर के कलेक्ट्रेट में अपना धरना प्रदर्शन करते थे, विरोध जताते थे, सरकार से नाराजगी जताते थे, लेकिन इस समय अतिथि शिक्षक वह काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जो मानसिक रूप से प्रताड़ना टाइप का एक जो आदेश लोक शिक्षण की तरफ से जारी हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा उत्साहित थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की थी, अतिथि शिक्षकों के लिए केवल एक घोषणा का आदेश जारी किया गया दुगुना मानदेय का, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा और मैं क्या पूरे मध्य प्रदेश के करीब 75,000 अतिथि शिक्षक भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी अतिथि शिक्षकों को लाभ मिले हैं वह इसके पहले के मुख्यमंत्रियों ने दिए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी उनके द्वारा दुगुना मानदेय का आदेश जारी किया गया, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, तब से उन्होंने अतिथि शिक्षकों के हित में कोई भी आदेश जारी नहीं किया, जिससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य जानकारी बताएंगे। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एक साल की सेवा फिर हटाने का आदेश, साथ ही जो अतिथि शिक्षकों को मान दे दिया जाता है वह भी कई जिलों पर नहीं मिला हुआ है। मामला अतिथि शिक्षकों को जून जुलाई में भी सेवाएं जारी रखने की अतिथि शिक्षकों ने मांग किया है। पूरा अपडेट आपको बताएंगे। अब पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जिस दिन से लोक शिक्षण का आदेश आया है उस दिन से परेशान हैं। देवास से अपडेट है, शासकीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को विधानसभा चुनाव से पहले महापंचायत में की गई कई घोषणाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। उस दौरान इनका मानदेय बढ़ाकर दोगुना करने के साथ ही सेवा एक साल तक लगातार लेने की घोषणा हुई थी, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद इनको हटाने के आदेश भोपाल स्तर से जारी हो गए हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ ने नाराजगी जताते हुए घोषणा पर अमल करने व इस संबंध में आदेश भी जारी करने की मांग उठाई है। वहीं प्रदेश में करीब 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, समय समय पर इनके नियमितीकरण मानदेय बढ़ाने साथ ही भर्तियों में आरक्षण की मांगें लगातार उठती आ रही हैं, जिनमें से कई मांगों को पूरा भी किया गया है। वर्तमान में शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को 25% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं पूर्व में अतिथि शिक्षक वर्ग एक को 9,000 रुपये, वर्ग दो को 7,000 रुपये और वर्ग तीन को 5,000 रुपये मानदेय के रूप में प्रतिमाह दिया जाता था, जिसको अतिथि शिक्षक विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दुगुना करने की घोषणा भोपाल में 2 सितंबर 2023 को आयोजित अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में की गई थी। कुछ दिनों के बाद मानदेय क्रमशः वर्ग एक 18,000, वर्ग दो 14,000 और वर्ग तीन का मानदेय 10,000 रुपये कर दिया गया है। वही हालांकि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं सतत एक साल लेने की घोषणा भी की गई थी, इस घोषणा को लेकर आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। अन्य वर्षों की तरह 30 अप्रैल तक सेवाएं समाप्त करने के आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिए हैं। वहीं अगर हम देवास जिले की बात करेंगे, देवास में 1427 के आसपास अतिथि शिक्षक हैं जिनकी सेवाएं ली जा रही हैं। जिला शिक्षा केंद्र व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक माध्यमिक
हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था के लिए वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन में कुल 1427 अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के देवास में शिक्षिकाएँ सेवाएँ दे रहे हैं। इन अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाएँ की सेवाएँ लगातार ली जा रही हैं। वहीं दूरस्थ अंचल में कई स्कूल तो अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं, यानी वहां पर कोई भी रेगुलर शिक्षक नहीं है, फिर भी अतिथि शिक्षक पूरी लगन निष्ठा से काम कर रहे हैं। वहीं इस पर आधिकारिक बयान भी आया है, मानदेय दुगुना करने के अलावा अन्य किसी घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। एक साल तक सेवा पर रखने, हर साल के 4 अंक बोनस के देने, वहीं गुरु जियों की भांति नीति बनाकर विभागीय परीक्षा लेने संबंधी आदेश जारी नहीं हुए हैं। यदि 12 महीने का सेवा काल नहीं किया जाता है तो प्रदेश के करीब 75,000 अतिथि शिक्षक आंदोलन की राह पर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए, ऐसा निवेदन किया गया है संतोष चौहान जी की, संभागीय सचिव मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ। वहीं इस पर आधिकारिक बयान है, अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने हटाने के संबंध में वरिष्ठ स्तर से प्रक्रिया चलती है, वहां से जैसे आदेश मिलते हैं उसका पालन जिला स्तर पर किया जाता है। ये बयान है एचएस भारती जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं देवास के। तो दोस्तों, अधिकारी तो सीधे तौर पर बच रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय से भोपाल से लोक शिक्षण से आदेश आता है, लेकिन लोक शिक्षण के अधिकारियों को कहां से आदेश आता है, एक बड़ा सवाल है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से अतिथि शिक्षकों के बारे में अपने कार्यकाल में कोई भी नया अपडेट नहीं दिया गया है, यानी जो घोषणाएं थी, जो लाभ थे, वो पूर्व के मुख्यमंत्रियों के द्वारा किए गए थे। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अतिथि शिक्षकों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गई घोषणाओं के आदेश भी जारी नहीं करवाए। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। चैनल को ज्वाइन मेंबर बन के सपोर्ट जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।